इन दिनों औरंगाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाधिकारियों में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। जहां कल लोजपा स्मृति मंच के 22 सदस्यों ने एक साथ अपना इस्तीफा पार्टी के वरीय अधिकारियों को सौंप दिया, वहीं आज अनूप ठाकुर को जिलाध्यक्ष से हटाकर प्रदेश सचिव का पदभार देने पर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। जब इस मामले पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने पार्टी के जिला प्रभारी पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से जिला का प्रभार पार्टी ने गबरू सिंह को सौंपा है तब से पार्टी के जिला कमेटी में उथल पुथल मची हुई है, जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा। अगर पार्टी के हाईकमान अधिकारी इस पर अमल नहीं करते हैं तो आने वाला दिन पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के निर्देशानुसार कल एक चिट्ठी निर्गत किया गया है कि औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अनूप कुमार ठाकुर जी को पद से मुक्त, जिला अध्यक्ष के पद से मुक्त करते हुए आपको प्रमोशन किया जाता है। चूँकि आपने का कार्यकलाप जो है 8 से 9 वर्षों तक कार्यकलाप जिला अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, अब आपको प्रमोशन करके प्रदेश में प्रदेश सचिव का पद दिया गया है। आज उसी खुशी में एक तरफ खुशी और एक तरफ कार्यकर्ताओं की गम भी है कि लगातार जो है औरंगाबाद जिले में एक औरंगाबाद के जिले के प्रभारी ऐसा प्रभारी आ गया है, अड़ियल प्रभारी, कि मुद्दा कुछ होता है, कार्यक्रम का कुछ रूपरेखा होता है, अब वो आदमी बोलता कुछ और है। जैसे मैं जीता जागता उदाहरण तमाम कार्यकर्ता जानते हैं, उस दिन आप लोग भी जानते हैं कि हमारे बड़े साहब आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उस दिन हम लोग जन्मदिन मना रहे थे, सब उनके विचारधारा और उनके जीवनी पर प्रकाश डाल रहे थे, लेकिन हमारे जिला के प्रभारी एक दूसरे रुआब में वो आदमी इस तरह से बोल रहा था कि लगता है कि उस आदमी को जरा सा भी पॉलिटिकल कोई ज्ञान ही नहीं है। और औरंगाबाद जब से वो प्रभारी आदमी बना है तब से वो आदमी औरंगाबाद में इतना ग्रुपबाजी हो गया है, हर विधानसभा में 5-5 को कैंडिडेट के लेकर के घूम रहा है। अब यह कहता कहवाता है, हम लोग को तो सुनने में आ रहा है, हम लोग तो मुंह से नहीं सुने हैं कि अपने कान से कि वो आदमी कर रहा है, लेकिन लोगों के मार्केट में बात आ रहा है, कहता है कि अगर वो 2 करोड़ देगा तो हम 10 करोड़ देंगे, 11 करोड़ रखे हैं। तो ये इस तरह से ऐसे प्रभारी अगर बोले पार्टी के प्रति तो हमारा पार्टी का छवि खराब होगा। हम तमाम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मांग करते हैं कि ऐसे प्रभारी को सख्त जल्दी से जल्दी यहाँ से प्रभार से ही नहीं, वैसे प्रभारी को तो पद से मुक्त कर देना चाहिए, पार्टी से मुक्त निकाल देना चाहिए, जो इस तरह का बोली रखता है और पार्टी में गुटबाजी का काम करता है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हमारे मतलब पटना में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है, अपना निजी काम से या जो भी हो कहीं बाहर हैं, बिहार आते हैं, पटना में आते हैं, तो उनसे जा कर के यहाँ के तमाम कार्यकर्ता अपनी बात को रखेंगे कि अगर इस तरह के अगर प्रभारी रखते हैं तो हमारा संगठन कमज़ोर हो रहा है श्रीमान, ऐसे प्रभारी को सख्त जो है उनको हटाने का काम करेंगे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सारी बात उनको से अवगत करा दिया गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम भी दिल्ली चले आए हैं, हम 8 तारीख को लौटते हैं, तो हम इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।